फेल 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 फेल, ऐसे शब्द उन्होंने 23 बार सुने लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। जबलपुर के राजकर्ण बरुआ ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। भाई साहब आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया है, एमएससी पास कर ली, कितना सुना, 25 बार। हाँ वो भी डायरेक्ट, छोड़ दीजिए, यहाँ बताइए डायरेक्ट। सर क्या है, एमएससी मैंने डायरेक्ट में दी है, उसमें बीएससी में मेरा कोई मैथ्स का बेस नहीं है, बीए के थ्रू मैंने एमएससी दी और मुझे अनुमति आरडीबीबी ने दी और 25 मौके देते भी गए। और रहा ये कि वो मौके दे तो रहे थे मगर हमने भी मीडिया चैनलों में और लोगों में ऐसे ही गा दिया था कि मैं 25 बार दूंगा। तो बाद में जब वो मैं बोर होने लगा तो दीपेश मिश्रा जी के पैच हुआ तो वो कहते हैं अरे 25 रोटी की भूख है और अब एक दो कम खिलाए तो कैसा लगेगा, 25 मौके मिल तो रहे दे दो फिर। अच्छा अच्छा, ये जैसे मैं कानों में बोलूं फेल 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 फेल, हताश नहीं होते थे बार बार सुन सुन के? हाँ सदमा जरूर लगता था मगर जितने बार डिप्रेशन होता था मुझे तो मैं उतना बारीकी से समझने की कोशिश करता था कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है। और बार बार ऐसा भी लगता था, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शिक्षा नीति हो चाहे पूरे इंडिया की शिक्षा नीति हो, जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये चीज होनी चाहिए, मेरा अनुभव है कि कॉपियां दिखाई जाएं। जैसे छमाही में लोगों को जांचने के बाद शिक्षक बच्चों को कॉपी दे देता कि देखो तुमने क्या किया ऐसे नंबर, ऐसी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कॉपियां बच्चों को बांट दी जाए फाइनल एग्जाम की भी, जो बोर्ड एग्जाम है चाहे जो भी एग्जाम है, तो वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेशन कर ले कि मैंने क्या लिखा और क्यों नंबर ऐसे मिले, क्योंकि भरोसा नहीं जमता है मूल्यांकन प्रणाली पे। करीब 30 साल की उम्र थी, जवान थे आप और स्मार्ट तो अभी भी आप दिख रहे हैं, और 30 साल में तो और भी स्मार्ट रहे होंगे, कह ढाते रहे होंगे, कॉलेज में घूमते रहे होंगे। तो क्या जो दूसरी तरफ मन भटक जाता, भटका उठका नहीं है मन? हाँ सर मेरे को क्या है कि जहां जहां मैं बंगलों में काम किया हूँ तो वहां पर विशेष करके खूबसूरत इकलौती लड़कियां भी रहती थी, तो वो लोगों से मेरे को बहुत सारी हेल्प दी जाती थी, जैसे चाय दे देना अच्छी गाड़ी दूध ही दूध की पढ़ते रहने के कारण। और आपके कई बार तो ऐसा हुआ कि जैसे सवेरे 7 से 10 पेपर होते थे, ये 25 सालों में पेपर हमारे 7 से 10 हुए हैं, तो थर्मस भर भर की जग भर भर की चाय दे दी जाती कि घंटे घंटे पियो पढ़ो, पढ़ो। और काम बंगलों का कर सुनते थे हम दौड़ दौड़ के, तो इसलिए ये सारी बातें हो रही थी। आनंद डेयरी में तो आपने सुना होगा कि इंडिया के अंदर बहुत से लोग कुत्तों को दूध पिला देते पर नौकर को पिलाने में डरते हैं, मगर हमारे लिए किरण आनंद भाभी एक एक लीटर दूध दोनों टाइम देना शुरू कर दिया था कि हो सकता है, क्योंकि मेरा दिमाग शोर बादाम, बादाम 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 भी खाते थे दिमाग बढ़ाने के लिए, क्योंकि गणित का था समीकरण वगैरह सॉल्व करते हैं। हाँ मेरा दिमाग चोट वाला है, छोटा था जब मैं रोड पे खेल रहा था तो थोड़ा सा ट्रक के टायर का धक्का लग गया था तो सिर फट गया था, तो पूरा खून सधक गया था, पर डॉक्टरों ने एक महीने कोमा में रहने के बाद भी बोला था कि इसको ज्यादा जोर मत डाल, पर मैं उसके बाद भी जितना मना करा जा रहा था मैं उसी पे पढ़ाई पे जोर डाल रहा था। अब क्या करोगे आप, अब तो सपना था पूरा हो गया, एमएससी मैथमेटिक्स पास कर लिए, गार्ड की नौकरी करते रहोगे कि फिर कहीं पढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है, आगे बढ़ना है, विदेश विदेश में जाने की क्या कुछ योजना बने कि हम विदेश में जाएं, दोस्तों को भी बताएं कि हमने कर दिखाया है? हाँ सर ये मेरा निवेदन है सरकार से भी, आपने जो इंडिया की जितनी भी सरकार है, एजुकेशन मिनिस्टर है या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के मिनिस्टर जो भी है अधिकारी है, इनके पास तो हमारा मैसेज जा ही रहा है पॉपुलर होने के कारण, तो अगर ये मुझे एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर बना दें, या जैसे मेरे को कलेक्टर ने एमएम उपाध्याय ने 95 में समन्वयक बनाया चाहते कोऑर्डिनेटर साक्षरता का, मगर वहां पे शिक्षा अधिकारी ने वो फाइल दबा के धर दी और मैं सोचा कि जबकि कलेक्टर की अनुशंसा से डायरेक्ट उसको चुनना था मुझे बनाना था, मगर उसने एक इंटरव्यू रख के और बस मेरे को डिसमिस कर दिया और अपने शायद बच्चे अच्छे को रख लिया जो भी हुआ है, तो उस समय तो मैं शांत रह गया, पर बाद में कह रहा नहीं कलेक्टर की अनुशंसा लिखने के बाद नियुक्ति लेना थी उसको डायरेक्ट में, मगर अब समय बहुत हो गया और इसके कारण मैं तो फिर वही एमएससी में उलझा रह गया। पूरा घेर के रखी मीडिया आपको, खाना वाना टाइम से हो पाया था 2-3 दिन से? हाँ खाना पीना भी टाइम से नहीं हो पाया था, मीडिया की काफी लाइन लगी हुई है और मुझे
अच्छा लगता है मीडिया आ जाती है बताने में कि देखो हमने ये कर दिखाया, खुश हुई होती होगी ना, जितनी अपने ताकत लगा के जोर लगा दिया 25 बार में, अब मीडिया आ रही, बहुत खुश होते होगे ना। हाँ ऐसा लगता है कि मीडिया की नजर में बहुत मैसेज जा रहा है कि इसने वाकई में ऐसे प्रतिकूल विपरीत दिन देखे हैं और लोगों को इससे शिक्षा मिलना चाहिए कि किस तरह से पढ़ाई के लिए समय गंवाना। हमारा पंजाब केसरी बहुत क्रांतिकारी अखबार भी है और वेब पोर्टल भी है, वेब में हम लोग दिखा रहे हैं। क्या संदेश देंगे पंजाब केसरी के साथ, क्या क्रांति फैल जानी चाहिए पूरे देश में? सर क्रांति यही फैलना चाहिए पंजाब केसरी चैनल में कि मतलब शिक्षा के प्रति बिल्कुल किसी तरह का बच्चों के साथ अन्याय ना हो, मूल्यांकन के बारे में भी जैसा अभी ये कापियां दिखाई नहीं जाती हैं और बस बच्चे 10-10 साल में इसमें फेल हो रहे हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि गणित को आसान बनाने वाले टीचर हों और जो प्रतिकूल बच्चे, हमने ऐसे भी दिन देखे हैं कि कईयों के पिता दारू पी के लौट रहे हैं गरीब बच्चों के, मगर बच्चों को सवेरे की चाय नसीब नहीं हो रही है। और मेरे खुद देखो, अगर बंगले वालों ने इतना खिलाया पिलाया नहीं होता तो ये 25 साल काटना कैसे होता? तो क्या हर बंगले वाला हर व्यक्ति क्या गरीबी बच्चों का के लिए कुछ कर रहा है? तो ऐसे मेरे पास तो पढ़ा तक नहीं था, मैंने तो मैट्रिक चिमनी से पढ़ी है, हैं? शासन अगर ऐसे जैसे शौचालय बनवा रहे हैं, नाले नाली पक्के करवा रहे हैं, तो बच्चों के लिए ऐसी कि बैठ के वो एक टेबल लगी हो, उनको जगह नहीं मिल रही तो वहां पे पढ़, मैं तो पढ़े में ऐसे टेहनी में ठेठे पड़ गए थे झुके झुके लिखने में, तो उनको ऐसे लिखने पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा माहौल इंडिया के अंदर पैदा किया जाए कि बच्चों के लिए पानी में ना भींग पाए, उनके लिए ऐसे सैड रहे कि वहां जाके वो पढ़ने जगह नहीं मिल रही शांत, तो है शांत वातावरण शिक्षा की जगत में अगर क्रांति लाना है। आपको क्या दे दें, आपको मौका अगर दें कि आप टीचर बन के पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाने के तैयार हो? हाँ मैं, मेरा तो मुद्दा यही है कि गणित को मैं सरल, जैसे हिंदी के निबंध होते हैं, क्या सिखा दोगे? मैं पूछूं आपसे, कैसे सरल बना दोगे गणित को कि जल्दी आदमी पढ़ ले समझ ले? गणित को बिल्कुल ऐसे टाइप, जैसे कोई भी डेफिनेशन है, वृत्त की परिभाषा है, कुछ भी है, तो उसको इतनी रुचि पूर्वक बना दे हम, जैसे हिंदी का निबंध होता है तो उसके एक एक सेंस, एक एक कोण, एक एक अर्थ, वृत्त। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है आपने? पाइथागोरस प्रमेय था, उसमें कर्ण पर का वर्ग दोनों भुजाओं के बराबर होता है आधार और लंब के, तो ये जो प्रमेय है आ वर्ग बा वर्ग सा वर्ग इक्वल टू सा वर्ग, तो इसलिए ये सुनने में तो जरा सा एक फार्मूला भरे याद रख लो करके आदमी हवा बना देता गणित, ए टू जेड वो समझ में तभी आ रहा जब आप उसका डायग्राम बना। कठिन आपको क्या लगता था इसमें, गणित में सबसे कठिन क्या लगा था, जिसको बार बार आप एक पूरा जमाते थे गणित में और पूर्ण नहीं हो पाता था, बार बार गलत होता था, सबसे कठिन क्या लगा? सबसे कठिन है सर एमएससी गणित में टॉपिक्स एलजेब्रा, मतलब एडवांस एवेस्टिक्ट एलजेब्रा ऐसा है कि उसमें नंबरों का यूज नहीं है, अल्फाबेट में ही पढ़ाई है वो पूरी, जैसे ए बी सी लिख दिया वो कितने टाइप से उलट पलट होगा, हैं उसके कितने ग्रुप बनेंगे, ग्रुप थ्योरी भाई फलाना भाई। मगर ये इसमें जो बुक चल रही थी एमएससी प्रीवियस में, रूस के लेखक हेरिस्टीन का टॉपिक्स एलजेब्रा, इस किताब के पन्ने इतने बारीक थे कि एक पेज पढ़ने में आंख खराब हो सकती, मगर उसको मैंने, देखिए ओरिजिनल टेक्स्ट बुक अभी भी मेरे पास मौजूद है, मैंने किस तरह से 23 साल उसको समझा पढ़ा और तब जाके मैं सही सही लिख पाया हूँ, तो मेरा लिए तो एलजेब्रा सबसे कठिन है। आपने अपना क्षेत्रफल नाप लिया है कि अब आपका क्षेत्रफल क्या होगा? माप लिया क्षेत्रफल, आपका क्षेत्र क्या होगा, आपका क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो एमएससी आपने पास कर ली है, अब क्षेत्रफल आप बताइए आपका क्या होगा, पूछू मैं गणित के शब्दों में? तो हमारा क्षेत्रफल और हमारा मैदान तो यही है कि गणित के फार्मूले में ही बच्चों के दिमाग की गतिविधियां छुपी हैं। जितना आदमी का माइंड है, आप देखा होंगे कि गणित सबका बाप है, जैसे क्यूरियोसिटी जो है, जिज्ञासा जो है, उन उस मदर ऑफ नॉलेज है। अगर बच्चे के अंदर जिज्ञासा है, सीखने की ललक है, तो वो तो
मदर ऑफ नॉलेज है, मगर उसके फादर कौन है? ईश्वर भी गणित कर रहा है सारी चीजें, डिजाइने एकदम नाप तौल के बना रहा, तो इसलिए जो है गणित के हिसाब से सांसें चल रही हैं, आंखों की आकृतियां एक नाप है एक बराबर है, हाथ पैर एक बराबर नाप के बना रहा, तो इसीलिए हो सकता है गणित की जो आदमी की कर्मशाला है, कर्म भूमि है जो भारत है, कर्म भूमि भारत खंड है अपना, इसमें हमें लगता है कि ये जो दिमाग की नसें काम करती हैं वो भी गणित के हिसाब से ही काम करती हैं, और गणित फार्मूले में ही बच्चे की रुचि छुपी है कि कौन सी गणितीय गतिविधि करेगा बच्चा कि चोर बन आयत आयत जो है आयत बन पाएगा अब। हाँ, आयत बनने के फुल चांस है, क्योंकि कहते हैं कि जो ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है, मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी बन जाता है जब, तो लोग उसको चांस देना शुरू करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, इसी एजुकेशन पत्रिका की फर्स्ट पेज के कवर में उसका फोटो देते हैं, तो इस तरह की चीजें जब होने लगेंगी तो हो सकता है मुझे दिल्ली बम्बई कलकत्ता अमेरिका सारे में चांस मिलने लगे, इसलिए इंडिया वालों के लिए ये सारी चीजें मेरे ऊपर ध्यान देने की। बिल्कुल, राजकरण भाई से हमने काफी बात कर ली, गणित पे भी हमने कुछ सवाल पूछ लिए, इनका क्षेत्रफल क्या होगा इन्हें अभी स्वयं नहीं पता है, अब देश को देखना होगा इनका कुछ क्षेत्रफल बना दे जिससे इनका आयत भी सामने नजर आए, कुछ काम काज भी करें, आगे बढ़ें, गार्ड की नौकरी कब तक करेंगे, क्योंकि गणित अगर सीखा है पढ़ा है तो कम से कम 55 साल की उम्र में कुछ तो काम देना चाहिए, एजुकेशन पे लगा देना चाहिए, सरकारों को ध्यान देना चाहिए जिससे कुछ अच्छा और भी कर पाए, क्योंकि 25 सालों का संघर्ष तो राजकरण ने कर ही लिया है। कैमरा पर्सन संदीप मनवारी के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।